नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अखरोट के फायदे के बारे में जानेंगे, तो आइए जानते हैं। कलियों का अमृत है अखरोट। टीबी और हृदय रोग जैसी 10 बीमारियों को ठीक करता है। बस इसे खाने का सही तरीका जान लीजिए। तो दोस्तों, हमारे जीवन के आसपास बहुत सी चीजें विद्यमान है, लेकिन जब तक हम उसके गुण और प्रभाव से अनभिज्ञ है तब तक उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जी हाँ, हम अखरोट की बात कर रहे हैं। ये अखरोट भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी दो जातियाँ पाई जाती हैं। पहली जातिया जंगली अखरोट है, जो 100 से 200 फीट तक ऊंचाई पर अपने आप में ही उगते हैं। इसके फल का छिलका मोटा होता है, लेकिन कृषि जन्य जो कि दूसरी जातियों का अखरोट है, उसके पेड़ 40 से 90 फीट तक ऊंचा होता है और इसके फलों का छिलका पतला होता है। हम इसे कागजी अखरोट भी कहते हैं। पर्वतीय देशों में होने वाले पीलू को ही अखरोट कहते हैं। इसका नाम कर्पपाल भी है। इसकी मींगी मीठी बादाम के समान पुष्टिकारक और मजेदार होती है। अखरोट में मौजूद तत्व हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही इसमें ओमेगा-3 भी पाया जाता है, जो हमारे दिल को स्वस्थ भी रखता है। अखरोट में मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के तथा आयरन भी पाया जाता है। दोस्तों, अखरोट की तुलना चिलगोजा और चिरौंजी से की जा सकती है। अखरोट गर्म वो खुश्क प्रकृति का होता है। अखरोट पित्त प्रकृति वालों के लिए हानिकारक होता है। अनार का पानी अखरोट के दोषों को दूर करता है। अखरोट बहुत ही बलवर्धक है। हृदय को कोमल करता है। हृदय और मस्तिष्क को पुष्ट करके उत्साही बनाता है। इसकी भुनी हुई गिरी सर्दियों से उत्पन्न खांसी में लाभदायक है और यह वात, पित्त, टीबी, हृदय रोग, रुधिर दोष, वात, रक्त और जलन को नाश करता है। आप अखरोट का सेवन 10 ग्राम से 20 ग्राम तक की मात्रा में कर सकते हैं। अब जानते हैं अखरोट खाने की सही विधि। 20 ग्राम अखरोट को 1 गिलास दूध में डालकर उबाल लें। उबालने के बाद इसमें मिश्री डाल के अच्छी तरह से मिला लें। फिर थोड़ी देर बाद इस मिश्रण का सेवन करें, आपको काफी लाभ होगा। अब जानते हैं अखरोट के अद्भुत फायदे। अखरोट के सेवन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसमें मौजूद विटामिन ई, ओमेगा-3 तथा एंटीऑक्सीडेंट तत्व मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। अखरोट में मौजूद विटामिन और खनिज तत्व उम्र के साथ होने वाली दिमागी कमजोरी को भी दूर रखने में काफी फायदेमंद है। अगर आपको पथरी की शिकायत है तो साबुत, छिलके और गिरी सहित अखरोट को कूट छान कर 1 चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी में कुछ दिनों तक नियमित रूप से सेवन कराने से पथरी मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। अखरोट को छिलके समेत पीसकर चूर्ण बनाकर रखें। 1-1 चम्मच चूर्ण ठंडे पानी के साथ प्रतिदिन सुबह शाम खाएं। इससे पेड़ों का दर्द और पथरी दोनों भी ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों को फुंसियाँ अधिक निकलती है तो 1 साल तक रोजाना प्रतिदिन सुबह के समय 5 अखरोट सेवन करते रहने से हमेशा के लिए लाभ हो जाता है। जिन लोगों को टीबी रोग की शिकायत है तो उसके लिए 3 अखरोट और 5 कली लहसुन पीसकर 1 चम्मच गाय के घी में भूनकर सेवन करने से टीबी में भी लाभ होता है। जिन माँ में दूध की कमी होती है तो गेहूं की सूजी 1 ग्राम, अखरोट के पत्ते 10 ग्राम को एक साथ पीसकर दोनों को मिलाकर घी में पूरी तरह बनाकर 7 दिन तक खाने से माँ के दूध की वृद्धि होती है। खांसी होने पर अखरोट गिरी को भूनकर चबाने से लाभ होता है। छिलके सहित अखरोट को आग में डालकर राख बना ले और इस राख की 1 ग्राम मात्रा को 5 ग्राम शहद के साथ चाटने से भी लाभ होता है। ओमेगा-3 की कमी से तनाव, गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, लेकिन अखरोट के सेवन से इन सभी परेशानियों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अखरोट के सेवन से डिप्रेशन से भी काफी राहत मिलती है। अखरोट के सेवन से हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। नियमित अखरोट के सेवन से रक्त में धक्के बनने की
की संभावना कम हो जाती है। यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी काम करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये अखरोट की उपचार, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।